एक परिवार की तरह काम करता है। इसमें चाहे हमारे सफाई साथी हों, ऑफिशियल्स हों, ऑफिसर्स हों, पार्षद हों, कमिश्नर हों और मेयर हों, सभी एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो हम सब एक दूसरे की बड़ी चिंता करते हैं, उसी चिंता के पायदान पर कुछ लोग हमारे ऐसे थे जिन्होंने 2014 में यहाँ एनरोलमेंट करा था, लेकिन अभी तक वो परमानेंट नहीं बने थे। तो उनका परमानेंट करने के लिए कल हमने नोटिस जारी कर दिया है जिसमें ऑब्जेक्शंस कॉल की हैं, उनका परमानेंट होने का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। अब वो परमानेंट हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके लिए हमारे पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी और अभी वर्तमान में जो मेरे चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर हैं बलोरिया जी, चेयरमैन राजकुमार तरखान जी, हरदीप मनघोटिया जी, अजय गुप्ता जी और सभी पार्षद, ये सबको बधाई है। और सबसे बड़ी बधाई है इन सभी इम्प्लॉयज को जिनके घरों में खुशी की लहर आ गई है और उनको अच्छा लग रहा है कि हम परमानेंट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा एक सुहावना सा समय होता है जब परिवार वाले और जो इम्प्लॉयज, उनको लगता है कि हमें कोई पूछने वाला है, हमारे लिए कोई काम करने वाला है। तो इन सब को मैं बधाई देता हूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपको बधाई देती है और साथ में यह भी आश्वासन देती है कि हम हर वक्त अपने सफाई साथी, ऑफिशियल, अधिकारी इन सब के साथ खड़े हैं और आप सबके हित यहां सुरक्षित हैं और हम एक परिवार बन के काम करें, यही मेरा सबसे आह्वान है। कितने 600 के करीब ये होगा, अभी 539 का ये परमानेंट का ऑर्डर आएगा और बाकी जो लोग हैं कुछ एसआरओ के हैं, तो टोटल मिला के 600 पोस्ट हैं जो अभी ये परमानेंट हो जाएंगी। बहुत बड़ा फैसला है ये और अभी आए हुए हमें महीना ही हुआ है, लेकिन काफी चीजें आप देख रहे हैं जो हुई हैं। तो इस गति से हम सब लोग काम कर रहे हैं, सभी पार्षद, और उन्होंने सबने ये ठाना हुआ है कि हम ऐसा केस नजर आता है आप मेरे पास लाइए ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। और दूसरी बात यह है, कई बार कुछ चीजें हम भी किसी से छुपा देते हैं अपनी ही कमियों के कारण, तो बाद में हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो चीजें भी हमें देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी केस लाते हैं जिसमें तथ्य होगा, एक्शन जरूर होगा। शर्मा साहब, कचरा उठाने वाले, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैंने भी बहुत बार ये प्रश्न उठाए हैं पहले, इनको ग्लव्स और लॉन्ग शूज वो इनके पास होने चाहिए, तो हम आगे प्रावधान रखेंगे इनको ग्लव्स मिले और वो शूज मिले। की जिम्मेवारी जो होती है, जो लोग परमानेंट नहीं है एनजीओस के हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है, उन्होंने उनको ये प्रोवाइड करने होते हैं। तो अब हम ये भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करेंगे कि उनको क्यों नहीं मिले हैं, जो परमानेंट की है वो जिम्मेवारी हमारी है। हम भी इसका प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि ग्लव्स और इनको शूज दिए जाए।